रेडी स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, रूस में भारत के जो मानचित्र प्रकाशित हुए हैं उनमें भारत के कुछ हिस्से को सही तरीके से नहीं दिखाया गया है। इसको सरकार भी मानती है और इस विषय पर कोई मतभेद नहीं है। प्रश्न यह है कि अगर किसी देश ने हमारे देश का गलत मानचित्र प्रकाशित किया है तो एक सरकार के रूप में भारत सरकार का जो कर्तव्य है उसने उसको निभाया है या नहीं, और अगर निभाया है तो किस प्रकार से निभाया है। जब भारत सरकार का ध्यान इसमें प्रकाशित उस मानचित्र की ओर दिलाया गया जिसमें हमारे देश के कुछ भाग को गलत ढंग से दिखाया गया था, तो उसने 1956 में ही, जबकि न तो भारत और चीन की सीमा का प्रश्न पैदा हुआ था, उस बारे में रूस ने विरोध किया। इसके बाद भारत सरकार ने लगातार 4 बार रूस सरकार से लिखित रूप से विरोध किया कि हमारे मानचित्र को ठीक से नहीं दिखाया गया है। जिस मानचित्र को लेकर यहाँ चर्चा हो रही है, जब उसकी ओर भारत का ध्यान गया तो उसने जून, जुलाई और अगस्त में लगातार 3 बार अपने राजदूत के माध्यम से और रूस के जो अधिकारी हमारे देश में आए उनसे बातचीत करके रूस का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि उसने इस देश का मानचित्र ठीक नहीं दिखाया है। प्रश्न यह है कि जिस मानचित्र के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं उसके बारे में हमें चिंता होनी चाहिए या नहीं। मैं समझता हूँ कि अगर दुनिया का कोई भी देश हमारा मानचित्र सही ढंग से नहीं दिखाता है तो स्वाभाविक रूप से देश को उसके बारे में चिंता करनी चाहिए। हम अपने कर्तव्य से नहीं चूक सकते हैं, लेकिन जहां तक इस चर्चा का संबंध है मैं माननीय सदस्य की प्रशंसा करता अगर वह उन समस्त देशों का जिक्र करते और निंदा करते जिन्होंने हमारे मानचित्र को गलत ढंग से दिखाया है। उदाहरण के लिए पाकिस्तान को शिकायत है उसके मानचित्र को केवल रूस, इराक और मिस्र ने ही नहीं बल्कि अमेरिका ने भी गलत दिखाया है। जिस कश्मीर को हम भारत माता का ताज और मुकुट कहते आए हैं, जिसे हम कहते हैं कि वह इस धरती पर हमारा स्वर्ग है, उस इलाके को बिल्कुल उनकी दया और कृपा पर छोड़ दिया गया है, यह बात उत्साहवर्धक नहीं है। महोदय, मैं दिल्ली के संबंध में भी कुछ कहना चाहता हूँ। अब दिल्ली चूंकि केंद्र शासित क्षेत्र है और दिल्ली को केंद्र शासित क्षेत्र माना गया है तो स्वभावतः दिल्ली वालों को यह आशा थी कि केंद्र से शासित होने से यहाँ पर उन्नति होगी और यहाँ के लोगों को कुछ सुविधा मिलेगी, संतोष प्राप्त होगा। किंतु मैं यह देख रहा हूँ और लोगों में भी यह भावना बढ़ती जा रही है कि जब से यह केंद्र शासित क्षेत्र हुआ है तब से शासन में निरंकुशता आने लगी है और लोगों की ओर ध्यान कम दिया जाने लगा है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि दिल्ली प्रशासन के पुनर्गठन के ऊपर पुनः जोर दिया जाना चाहिए और हो सके तो उसके लिए एक समिति बैठा दी जाए और उसके लिए सोचा जाए कि दिल्ली का प्रशासन किस तरह का होना चाहिए। मैं चाहता हूँ दिल्ली के प्रशासन के संबंध में आप विचार करें। भ्रष्टाचार के संबंध में यहाँ बहुत कुछ कहा गया है, मैं पुनः उसको दोहराना नहीं चाहता, किंतु इतना अवश्य कहना चाहता हूँ कि आज देश में जनता का जो नैतिक स्तर है वह दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है।
सरकार को यह सोचना चाहिए कि उनका वह नैतिक स्तर किस प्रकार उठाया जाए और किस तरह से लोगों की भावनाएं बदली जाएं, किस तरह से लोगों में अनुशासन रह सके, इसके लिए सोचना अत्यंत आवश्यक है। हम जब भ्रष्टाचार की बात कहते हैं तब यह तो सभी मानते हैं कि भ्रष्टाचार है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि भ्रष्टाचार मौजूद है। छोटे से अधिकारी से लेकर बड़े अधिकारी तक यह फैला हुआ है। भ्रष्टाचार केवल प्रशासन में है ऐसी बात नहीं है, वरन यह लोगों में भी फैला हुआ है। जब करों की अदायगी का प्रश्न आता है तब लोग दो दो खाते बना लेते हैं और आयकर की चोरी करने का प्रयत्न करते हैं और कर से बचने के लिए भ्रष्टाचार करते हैं। जैसे बगैर दोनों हाथों के ताली नहीं बज सकती, ठीक वही बात भ्रष्टाचार के संबंध में लागू होती है। भ्रष्टाचार के निवारण के लिए जितना अधिकारियों का कर्तव्य है उतना ही कर्तव्य जनता का है। अधिकारियों को तो सतर्क रहना ही चाहिए क्योंकि यह जो संसद है वह कानून बनाकर उनके हाथ में दे देती है, उसका कार्यान्वयन करने के लिए जनता और नौकरशाही को सहयोग से कार्य करना चाहिए। महोदय, प्रशासन का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह सतर्क रहे और अधिकारी लोग अपने को निष्पक्ष रखें, किंतु जो जनता के अंदर एक गिरावट आती जा रही है वह भी एक देखने की बात है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार कोई ऐसा प्रयत्न करे जिससे कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जो लोगों का नैतिक स्तर ऊंचा होना आवश्यक है उसको ऊंचा किया जा सके। उसके लिए जो भी वह कर सके करे। मुझे कहना तो बहुत कुछ था लेकिन चूंकि मेरा समय समाप्त हो गया है अब मैं अब और कुछ नहीं कहूंगा महोदय। इसलिए मैं माननीय रक्षा मंत्री महोदय का ध्यान इतिहास की उस चेतावनी की ओर दिलाना चाहता हूं कि हिमालय की चोटी पर जिसका अधिकार रहा है उसका गंगा और यमुना के मैदान पर भी अधिकार रहा है। हम इस आशा में नहीं रह सकते कि हम दुश्मन को हिमालय की चोटी से उतरने दें और फिर मैदान में उसका मुकाबला करें। मुझे याद है कि कुछ वर्ष पहले प्रधानमंत्री जी ने बड़ी दृढ़ता के साथ यह कहा था कि हम हिमालय को दहेज के रूप में नहीं देना चाहते और यह नहीं कहना चाहते कि साहब आप टहलते हुए यहाँ आ जाइए, हम नहीं चाहते कि वहां पर कोई मुकाबला ही न हो। मैं समझता हूँ कि अगर किसी भी सैनिक अधिकारी के दिमाग में अभी तक यह भावना है कि हम हिमालय की ऊंची चोटियों को छोड़कर नीचे मैदान में आकर युद्ध लड़ेंगे तो उनको भ्रम में नहीं रहना चाहिए। यह एक घातक बात होगी, एक आत्मघाती नीति होगी। अगर एक बार चीन का हिमालय की चोटियों पर कब्जा हो गया तो चाहे वह बाद में नीचे हम पर हमला न भी करे किंतु वहां से हम उसको कभी नहीं हटा सकेंगे। इसलिए इस संबंध में स्पष्ट निर्णय किया जाना चाहिए। इसके बाद मैं मध्यवर्ती क्षेत्र के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। पिछली बार जब चीन ने बड़े पैमाने पर आक्रमण किया था तो लद्दाख में और पूर्व में नेफा के इलाके में किया था, मध्यवर्ती क्षेत्र में मिडिल सेक्टर में लड़ाई नहीं हुई थी। लेकिन मेरा अपना अनुमान है और बहुत से लोगों को इस बात की आशंका है कि अगर अब कभी चीन ने दोबारा हम पर आक्रमण किया तो वह मिडिल
सेक्टर में करेगा। इसके कई कारण मालूम पड़ते हैं। स्टॉप। अगर आपको डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही डिक्टेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और किसी भी गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन के लिए आप engineeringgovernmentjobs.com पे विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक जो मैंने है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।